हेलो नमस्ते सात वेस्टर्न ओवरसीज के टॉक शो में स्वागत है सो so, आज मैं आई हूँ मिस जसलीन कौर जो कंट्री मैनेजर यूएसए है वेलकम टू द शो मैम थैंक यू सो मच मैम ओके सो व्यूअर्स आज आपके साथ मैं आई हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर सो जस्लीन मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि जब भी स्टूडेंट्स को यूएसए बोला जाता है ठीक है तो स्टूडेंट्स के दिमाग में सबसे पहले जो चीज़ आती है वो आती है या तो एस या फिर जी या फिर जी अब जो एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग बच्चे हैं वो तो डेफिनेटली कर ही लेते लेकिन जो एवरेज वाले स्टूडेंट्स हैं क्या उनके लिए कोई ऑप्शन है क्या स्टूडेंट आज भी यूएसए जा सकता है विदाउट सैड जी आर जी थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस क्वेश्चन ये आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है क्योंकि हमारे पास मोस्टली नॉर्थ रीजन के स्टूडेंट ज्यादा आते हैं जहां लोग बोलते हैं हमें यूएस में जाना है लोगों को जी आर ई जी मैट का एक डर बन चुका है जो बच्चा अप्लाई नहीं करता कि यूएस में इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि मेरे पास जी आर ई जी मैट नहीं है बट वेस्टर्न ओवरसीज के पास ऐसी यूनिवर्सिटीज है जिसमें आपको जी आर ई जी मैट की वेवर है जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ तुलसा है और यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट फ्लोरिडा है जिसमें इंजीनियरिंग का बच्चा चाहे वो लीगल स्टडीज करना चाहता है चाहे वो कंप्यूटर साइंस करना चाहता है चाहे वो डाटा साइंस करना चाहता है हर एक प्रोग्राम अवेलेबल है इन यूनिवर्सिटीज में और जी आरई जी मैट वेवर है आय स्कोर आपको नो बैंड लेस देन चाहिए और आपको अपने अकेडमिक परसेंटेज भी सिक्सटी परसेंट चाहिए तो बिल्कुल इजी यूनिवर्सिटीज है पंजाब हरियाणा के स्टूडेंट को वरी करने की जरूरत नहीं है अगर आपके पास जी आर ई जी मैट नहीं है तो आज ही विजिट करो वेस्टर्न ओवरसीज और अपना केस अप्लाई करो थैंक यू